हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं गर्भधारण इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनका यूट्रस ठंडा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठंडा यूट्रस कैसे हो सकता है, क्या होता है ये, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा यूट्रस ठंडा है? तो ऐसे मैं आपको कुछ लक्षण बताऊँगी। अगर वो लक्षण आप में हैं तो आपका भी यूट्रस ठंडा है और आपको उसके लिए क्या उपाय करना है ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आप YouTube सहेली को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, क्योंकि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेहतरीन टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, जिससे बहुत सारी सहेलियाँ बेनिफिट ले रही हैं, आप भी ले सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कोल्ड यूट्रस के सिम्टम क्या हैं। आप अपने बॉडी को कैसे समझिएगा कि हमारा यूट्रस कोल्ड है? सबसे पहली चीज़ कि आपको ज़्यादा ठंड लगती हो, बहुत जल्दी आपको ठंड लगने लगती हो। दूसरी चीज़ ये है, आपको अगर लोअर बैक में पेन रहता है या फिर सोरनेस रहती है, कुछ वहाँ सेंसिटिव सा रहता है या अक्सर दर्द रहता है, तो भी लक्षण है कोल्ड यूट्रस का। अगला लक्षण है आपका ब्लड सर्कुलेशन अगर लो है। इसके अलावा अगर आप हमेशा लो एनर्जी फील करती हैं, जैसे कि हाइपोथायराइड की कंडीशन में होता है कि बहुत लो एनर्जी फील करते हैं, इस तरह की अगर कंडीशन है तो भी आपका यूट्रस कोल्ड हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन पुअर है, अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचता है, या फिर आपको यूरिनरी कोई इशू है, इन्फेक्शन होता है बार बार, या कोई यूरिन से रिलेटेड आपको इश्यूज रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको लो लिबिडो, लिबिडो का मतलब है लो सेक्सुअल डिज़ायर, अगर आपको ये सारे लक्षण हैं आपके शरीर में, इनमें से एक आध लक्षण भी हैं, तो आप ये समझिए कि आपका यूट्रस कोल्ड है और आपको गर्भ धारण करने के लिए यूट्रस को वार्म रखना पड़ता है। अगर आपका यूट्रस कोल्ड होगा तो इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो जाएगा। बहुत सारे लोग IVF IUI कराते हैं और बिल्कुल भी नहीं जानते, सारे तरीके अपनाते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, दवाएं भी ठीक से लेते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कंसीव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं समझ पाते हैं हम कि यूट्रस कोल्ड भी हो सकता है। तो आज मैं आपको जो जैपनीज लोग तरीका अपनाते हैं यूट्रस को गर्म रखने का, इवन इससे पूरी बॉडी गर्म रहती है, और सर्दियों में जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं वो ये ट्रिक अपनाते हैं। अब आपको बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि वो ट्रिक क्या है। फ्रेंड्स, जापानीज भाषा में इसको कहते हैं हारामाकी, और हम सामान्य अपनी बोलचाल की भाषा में इसको कह सकते हैं बेली बैंड। बेली बैंड इसलिए क्योंकि ये पेट के चारों तरफ पहना जाने वाला कपड़ा होता है एक तरह से। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया हुआ है, आप आराम से इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इसको यूज़ करें अगर आपका यूट्रस भी ठंडा रहता है। तो बहुत लोगों के हाथ बहुत ठंडे रहते हैं, पैर बहुत ठंडे रहते हैं, ये सारे सिम्टम ठंडे होने के हैं, तो आपको बेली बैंड को यूज़ करना चाहिए। अब कब यूज़ करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन आपका हो गया, उस दौरान आप कांटेक्ट में रहिए। ओव्यूलेशन के एक आध दिन बाद में, जब आपका ओव्यूलेशन प्रक्रिया पूरी हो जा रही है, उसके बाद में आप इसको रेगुलर पहने। बहुत सारे लोग रात में इसको पहन के सोते हैं, उससे इनको कंफर्ट महसूस होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेशों में ऐसा मुश्किल है कर पाना, लेकिन आप इसको दिन में पूरे समय पहने। अगर आपको लगता है कि उतारने के बाद बहुत ठंडा आप महसूस कर रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू पहने रहें। बीच में आधे एक घंटे के लिए आप उतार सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादा समय पहन के रखें ताकि आपका यूट्रस गर्म रहे, क्योंकि गर्म यूट्रस जो होता है, गर्म होती है जब बच्चेदानी और गर्भाशय, वो सपोर्ट करता है इम्प्लांटेशन को, क्योंकि ठंडे यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपना इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल करना है, आप IVF IUI में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस ट्रिक को भी फॉलो करें। आप हारामा की जो क्लॉथ होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिकली डिज़ाइन होता है, आप कोई भी चीज़ कैसे भी यूज़ ना करें, जो क्लॉथ होता है प्रॉपर तरीके से उसी को यूज़ करें, चीज़ों को समझ के यूज़ करें। फ्रेंड्स, साथ ही अगर आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्रैम्प वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ज़्यादा आराम पहुँच जाता है उस दौरान। अभी अगर आप इसको पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा। इसके अलावा आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन आपका अच्छा नहीं है, तो भी आप इसको पहने, उसमें भी आपको बेनिफिट करेगा। मैन और वुमेन दोनों ही इसको पहन सकते हैं। मैन इसको, पुरुष लोग इसको डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए, सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए पहन सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों के मौसम अगर आप इसको पहनते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी को
क्योंकि ये बॉडी का सेंट्रल पार्ट होता है, हमारे पेट का, हमारे बैली का पोर्शन, तो गर्म रखता है, आपके पूरे शरीर को अच्छे से गर्म रखता है। और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए पहनना चाहते हैं तो आप उसको ओवुलेशन के बाद से पीरियड तक या पीरियड मिस हो जाने के बाद तक, जब तक कन्फर्म नहीं हो जाता है आपको प्रेगनेंसी, तब तक आप इसको पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हारामा की है इसको आप ज़रूर अपने ओवुलेशन के बाद यूज़ करें, और इसका कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आप मुझसे शेयर ज़रूर करें। इसी तरह जुड़े रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।